थाना सिरसागंज क्षेत्र कपरावली निवासी संदीप का नवजात शिशु जिसका जन्म 17 दिसंबर 2020 को हुआ था, उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप था कि बच्चे का द्वितीय टीकाकरण 2 फरवरी 2021 को होना था। आरोप है कि एएनएम अंजू सक्सेना ने 13 जनवरी 2021 को टीकाकरण मतलब 5 इंजेक्शन लगा दिए। बताया बीते दिन 13 तारीख की शाम को बच्चे का टीकाकरण किया, गलत टीकाकरण के कारण बच्चे की मौत हो गई है। फिलहाल सूचना पर पहुंची थाना पुलिस बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लेकर आई, जहां बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। नाम है आपको? कहाँ रहती हो जी? क्या मामला हुआ आपके ये बच्चे के साथ? टीकाकरण समय से पहले लगा दिया। किसने? गांव की आशा थी। अरे अंजू सक्सेना, नाम बताओ। एएनएम अंजू सक्सेना। क्या नाम है उनका? अंजू सक्सेना जी। कहाँ की रहने वाली हैं? मैनपुरी। जिला कौन सा पड़ता है? अरे मैनपुरी से काम मतलब राम ब्लॉक की है। थाना कौन सा पड़ता है आपको? हां सरसागंज जी। कब की घटना है ये? कल उन्होंने टीकाकरण करो। आज रात की, आज रात में खत्म है। अंकल ये हमारा रविंद्र सिंह जी। क्या घटना हुई है बच्चे के साथ? घटना हुई है था, बच्चा 17 तारीख को पैदा हुआ, तो 17-12 को इसका द्वितीय टीकाकरण जो है 2-2 को होना था, लेकिन अंजू सक्सेना एएनएम द्वारा लापरवाही बरती गई। उन्होंने 13-1 में जो है टीकाकरण मतलब 5 इंजेक्शन लगा दिए, जिससे रात में बच्चे की मृत्यु हो गई। कहाँ का मामला है, कौन सा थाना पड़ता है? ग्राम कपरावली, थाना सरसागंज, विकास खंड आराम, जनपद फरोजाबाद। कब का मामला है? कल 13 तारीख को उन्होंने शाम के टाइम टीकाकरण किया। अच्छा, बच्चे के पिताजी का नाम क्या है? संदीप कुमार।